ने फर्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन कर लिया है, ठीक है, अल्कोहल्स का, फेनॉल्स का और ईथर्स का. उसमें कुछ जीके फैक्ट्स थे, वो भी हम लोगों ने वहीं पे कवर कर लिए. अभी इस वाले केस में हम लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में कंपैरिजन करना है. अगर तुम्हें अल्कोहल दिया है, एक फेनॉल दिया है और अगर एक ईथर दिया है, तो उनके स्ट्रक्चर किस तरीके से एक दूसरे से वैरी करते हैं, ये वहाँ पर मैं तुम्हें बहुत सारा डाटा दूंगी. यहाँ डाटा का इन द सेंस बॉन्ड लेंथ कितनी है, बॉन्ड एंगल कितना है. तुम्हें ना तो बॉन्ड लेंथ से मतलब है, ना तो तुम्हें बॉन्ड एंगल के डाटा से मतलब है. तुम्हें सिर्फ अगर वो चीज़ कल को असर्शन रीजनिंग में आ जाए, या फिर चूज़ अ करेक्ट आंसर्स में आ जाए, या फिर गिव रीज़न के फॉर्मेट में, गिव रीज़न के फॉर्मेट में देखो आने के चांसेस कम हैं, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स में मुझे नहीं लगता कि ये वाली चीज़ पूछी जाएगी करके. बट क्योंकि वहाँ पे एज सच कोई कंपैरिजन करके बुक में कुछ दिया नहीं है, ना ही वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आएगा. लेकिन चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव, या फिर तुम ये कह सकते हो कि कोई असर्शन रीजनिंग, इनके जैसे जो टॉपिक्स होते हैं, इन टॉपिक्स में ये वाला पार्ट आ सकता है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है करके, ठीक है. अब देखो ये चीज़ क्या है, मुझे अल्कोहल, फेनॉल और ईथर्स के स्ट्रक्चर्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ऑब्वियस है मुझे पहले एक अल्कोहल, फेनॉल और ईथर फॉर एन एग्जांपल लेना पड़ेगा. तो मैं एक सबसे छोटा अल्कोहल अपने लिए चूज़ कर लेती हूँ, वो हमने चूज़ किया है मिथेनॉल CH3OH, ये हम लोगों ने चूज़ कर लिया. अब ये जो आपका मिथेनॉल है, इस मिथेनॉल के साथ साथ अब मुझे एक फिनॉल चाहिए रहेगा. तो फिनॉल में तो कोई सिंपलेस्ट फिनॉल वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं, हम लोग हमारा प्यारा फिनॉल ही चूज़ कर लेते हैं. ये हम लोगों ने फिनॉल चूज़ कर लिया यहाँ पे, ये इस तरीके से. और एक ईथर, तो सबसे छोटा ईथर जो मैंने लिया है ये आपका मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, CH3, और यहाँ पे O, और यहाँ पे तुम्हारे पास CH3, बराबर. तो अभी इन सारे स्ट्रक्चर्स में देखो सिमिलैरिटी क्या है. सिमिलैरिटी सबसे पहले ये है कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे तुम देखना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं दो दो, ठीक है. ये इस तरीके से इन तीनों स्ट्रक्चर्स में ये चीज़ कॉमन है. इसके अलावा इनमें क्या कॉमन है, अगर तुम यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन ने दो सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और दो इसके पास लोन पेयर है, तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर जो हो गया वो कितना हो गया, चार. और स्टेरिक नंबर चार है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3. केमिकल बॉन्डिंग में वाला काम हमने किया है 11th स्टैंडर्ड. सिमिलरली यहाँ पे अगर ये वाला ऑक्सीजन तुमको दिया जाए और इस वाले ऑक्सीजन की अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोले, तो यहाँ पे फिनॉल में भी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है, sp3 आती है. यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के साथ भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ रही है, sp3 आ रही है. तो ये तो थी तीनों के स्ट्रक्चर्स में कुछ सिमिलैरिटीज़. अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस पे बात करने से पहले थोड़ा कंसेप्चुअली अपन बात कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ देखी है करके केमिकल बॉन्डिंग में, कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है, वो बॉन्ड एंगल एक्चुअल में आपका होना चाहिए 109.28, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए. मिनट्स और सेकेंड्स के जो एब्रीवेशंस हैं या जो टर्मिनोलॉजीज हैं डेसिमल के बाद डिग्री में बोलने की, वो तुम कर लो, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी है, मैं अपना केमिस्ट्री में डील कर रही हूँ. तो 109.28 जो ये है, ये आइडियल बॉन्ड एंगल होना चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल सही में 109.28 है क्या करके, मतलब मैं किस बॉन्ड एंगल की बात कर रही हूँ, मैं इस बॉन्ड एंगल की बात कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला ही जो जगह है, ये वाला एंगल क्या सही में यहाँ पे 109.28 है, या फिर यहाँ पे ये एंगल 109.28 है. तो हमें अभी बॉन्ड एंगल देखना है कि बॉन्ड एंगल कितने हैं. तो जो तुम्हारा अल्कोहल है, अल्कोहल में ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है, एक्चुअल में ये वाला बॉन्ड एंगल ऐसा पाया गया कि इसका डिग्री निकल के आ रहा है 108.9. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, डेटास तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करने हैं, तुम्हें इस डेटा से जो हम लोग जस्टिफिकेशन देंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, वो वाला जस्टिफिकेशन तुम्हें याद रखना है बस. और यहाँ पे ये एंगल नियर अबाउट 109.28 आता है, ये 109 आता है, सिर्फ 0.28 की वजह से पीछे छूट गया. यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल है, ये 109.28 को ही पीछे छोड़ के आगे निकल गया 111.7.
ये तो ये बॉन्ड एंगल के मैंने डेटा तुम्हें दिए, इन डेटा से ये समझ में आ रहा है कि आपके सबसे कम बॉन्ड एंगल अल्कोहल में है, फिर फिनॉल में जाने पे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, और उसके बाद जब हम लोग और आगे की तरह शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल और क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है करके, तो एक चीज़ देखो तीनों में अगेन कॉमन है, वो जो टॉप में आपको लोन पेयर्स दिख रहे हैं, ये यहाँ पे जो ये लोन पेयर्स दिख रहे हैं, ये याद रखना कि जो लोन पेयर्स है यहाँ पे, इन लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में याद रखना क्या होता है, आपका रिपल्शन होने लगता है, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं, तो ये जो लोन पेयर का रिपल्शन है ये तीनों में होता है, ठीक है। तो फिर उसके अलावा इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि ये वाली जो चीज़ तुम्हें दिख रही है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड के बीच में, ठीक है, यहाँ पे अगेन बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ऊपर में लोन पेयर रिपल्शन हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी यहाँ पे होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको ये वाला बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो लोन पेयर रिपल्शन तीनों में है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो ये डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किस वजह से है, ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो देखो यहाँ पे कौन है बॉन्ड पेयर में, यहाँ पे बॉन्ड पेयर में एक तरफ है आपका मिथाइल ग्रुप यानी कि CH3 और दूसरी तरफ है छोटा सा H। यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन किसकी वजह से, पूरा का पूरा आपका वो रिंग, ठीक है, C6H5 और दूसरी तरफ छोटा सा H, ठीक है। और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3 और यहाँ पे CH3, दोनों तरफ CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी बल्किनेस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा बल्किनेस है, तो ऑब्वियस है कि जब रिपल्शन होता है तो रिपल्शन की वजह से वो जो ऑलो मतलब होल सिस्टम जो रहता है वो सिस्टम अनस्टेबल बन जाता है। तो खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो जो बॉन्ड पेयर्स है, विस्पर थ्योरी में पढ़ी है, वो बॉन्ड पेयर्स जो है रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एक दूसरे से कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर्स के बीच में, उन रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जब वो एक दूसरे से दूर खिसक रहे होंगे तो ऑब्वियस है कि बॉन्ड एंगल उनके बीच में इंक्रीज होगा। तो बस अब हमें ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहाँ है। तो टोटल हमारे पास तीन केसेस हैं, पहला है CH3 और H के बीच का बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दूसरा है आपके फिनाइल ग्रुप C6H5 और H के बीच का बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और तीसरा CH3। अब यहाँ देखो जो आखिरी वाला केस है, जो स्टार्टिंग से देखते हैं, इधर एक बल्कि ग्रुप है, इधर एक छोटा ग्रुप है, इधर एक बल्कि ग्रुप है, इधर एक छोटा ग्रुप है, इधर दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है। तो जो यहाँ पे दोनों तरफ बल्कि ग्रुप है, तो इस वाले सिचुएशन में आपको क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम रिपल्शन फील हो रहा होगा। तो मैक्सिमम रिपल्शन फील हो रहा है इस वजह से वो जो पूरे के पूरे बॉन्ड पेयर्स हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होने लगेंगे, अपार्ट खिसकने लगेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 111.7। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है मुझे, ए वाले में कंपैरिजन करना है और बी में। तो देखो ए और बी के जो राइट साइड है, उस दोनों राइट साइड में एच तो कॉमन है, तो एच में तो कंपैरिजन करने का कोई सेंस बैठता नहीं है। जो डिफरेंट है अगर मैं उसमें कंपैरिजन करूँ, तो इस तरफ देखो क्या मौजूद है CH3 और इधर क्या मौजूद है C6H5। तो अगर मैं बल्किनेस के बारे में बात करूँ, तो जो CH3 है ये कम बल्कि होता है एज़ कम्पेयर टू किसके, C6H5 की बल्किनेस में। तो ऑब्वियसली C6H5 ज़्यादा बल्कि है, तो इसका रिपल्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो रिपल्शन है बॉन्ड पेयर का CH3 में वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर ऑफ C6H5 बिकॉज, हाँ, तो इसीलिए C6H5 का बॉन्ड एंगल क्या है, 109, ज़्यादा उसमें डिक्रीज नहीं हुआ है, और जो बेचारा है इसमें उसके कंपेयर में कम है, यानी कि 108.9। तो ये तुम्हें रीजन से याद करने थे कि आखिर किस में बॉन्ड एंगल का ये ऑर्डर पता होना चाहिए, कि ईथर फिनॉल और अल्कोहल में क्या होता है और किस वजह से वो ईथर इतना आगे हो गया, वो पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट डाटा देखो, इस स्ट्रक्चर में मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, जैसे बॉन्ड एंगल के बारे में अपन ने बातचीत की, एक और पैरामीटर होता है आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो प्रकार की बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करते हैं, पहला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ।
तो अगर ये एक्सपेरिमेंटली जो डाटा आया उस डाटा ने आपको रिवील किया कि अल्कोहल्स में कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वह 142 पिकोमीटर है, ठीक है, और फिनॉल के केस में कार्बन ऑक्सीजन की जो ये बॉन्ड लेंथ है ये 136 पिकोमीटर है, ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारा ईथर है, ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये 141 पिकोमीटर है, ठीक है। ये डेटास आपको याद नहीं रखने हैं, इवन ये कोई भी टीचर याद नहीं रखता है, ऐसे बहुत कम डेटास होते हैं, जैसे कुछ कुछ हमें याद रह जाते हैं, जैसे H2O2 में बॉन्ड एंगल कितना है, नाइट्रस ऑक्साइड में कितना है, बट हर डेटा आपको याद रखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के पर्पस से। तो इसमें ईथर को और इस वाले अल्कोहल को पहले अपन देखते हैं। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन तीनों केस में sp3 है, लेकिन उनसे जो जुड़े हुए कार्बन है उनके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एक बार देख लो। तो यहाँ पे तुम देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो कार्बन लिया है जिससे आपका ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये कार्बन भी sp3 है, ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे कार्बन तुम्हारा sp3 और जो ऑक्सीजन वो भी तुम्हारा sp3, तो दोनों sp3 ऑर्बिटल्स बट अलग हैं, एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, उनके बीच में वो सिग्मा बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग हुई है। तो ये जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये ओवरलैपिंग जो है ये ओवरलैपिंग कितनी आपकी पिकोमीटर की है, 142 पिकोमीटर की। ईथर में आओ, ईथर तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो sp3 है और जो CH3 है ये वाला, ये भी आपका sp3 है, तो यहाँ पे भी एक्चुअल में देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों के बीच में तो दोनों का सेम बॉन्ड लेंथ आया है लगभग 142-141 में, कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं है करके। लेकिन जब तुम्हारे फिनॉल की बारी आई तो फिनॉल में देखो ये बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। अब आखिर बॉन्ड लेंथ के डिक्रीज होने का रीज़न क्या है, ठीक है, फिनॉल में जो है हम लोगों की बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब ये बॉन्ड लेंथ के डिक्रीज होने का रीज़न अगर मुझे जस्टिफाई करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब कैसे, अभी अभी हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी एक काम किया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे ये तुम्हारे पास फिनॉल है, ठीक है, टॉप पे आपके पास OH है इस तरीके से, और ये अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो तुम ये बात याद रखो कि ये जो OH होता है ये प्लस R इफेक्ट शो करता है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। अगर ये रेजोनेंस करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, बराबर। अगर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से दिख रहा है तो इससे क्या बात समझ में आ रही है कि ये जो कार्बन और ये जो ऑक्सीजन जिसे हम प्योर सिंगल बॉन्ड समझ रहे थे, ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा, अब कम्प्लीटली डबल बॉन्ड भी तो नहीं है क्योंकि वापस से वो देखना रेजोनेंस होते होते जब तीन स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे वापस से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ना तो ये कम्प्लीटली सिंगल बॉन्ड होता है ना तो ये कम्प्लीटली डबल बॉन्ड होता है। एक सिंगल बॉन्ड वाले के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है, यानी कि तुम ऐसा कह सकते हो कि ना तो ये एक है ना तो ये दो है, या कुछ डेढ़ के आसपास है, थोड़ा सा, नॉट एग्जैक्टली डेढ़, मैं सिर्फ ऐसे बता रही हूँ, थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड वाला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। एंड ऑब्वियस है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी, और जब आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जब आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो देयरफोर जब आपके जो अल्कोहल्स हैं, अल्कोहल्स में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक प्योर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, जो तुम्हारा ईथर्स है, ईथर्स में भी कभी भी रेजोनेंस नहीं हो सकती, तो वहाँ पर भी आपके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। लेकिन जो तुम्हारे फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल्स अंडर को रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये प्योर सिंगल भी नहीं होता है, प्योर डबल भी नहीं होता है, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कोहल ईथर्स के कंपेयर में कंपेरेटिवली कम हो जाती है। तो अगर ऐसा कोई रीज़न आता है पेपर में, ये क्योंकि आ सकता है कि एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द डिक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ, ठीक है, तो आपको वहाँ पे फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये क्लियर है, ये सेम वाली चीज़ तुम्हें अल्काइल हैलाइड में भी करनी थी, अल्काइल हैलाइड में भी यही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो बस यही दो डाटा से जो मुझे तुम्हें बताने थे, और इसके ऊपर गिवन्स के लिए रेडी रहो, एक ये बॉन्ड लेंथ वाला और दूसरा ये बॉन्ड एंगल वाला। तो बॉन्ड एंगल में तुम्हें जैसे अल्कोहल है, अगर अल्कोहल में जस्टिफाई करना रहे कि 109.28 से आखिर बॉन्ड एंगल कम क्यों आया,
तो तुम उसने बताना लोन पेयर जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं उनके रिपल्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या है, यहाँ पे इसके डिक्रीज होने का रीज़न रहेगा कि लोन पेयर का जो रिपल्शन है ऑक्सीजन के वाला, उसकी वजह से ये वाली चीज़ ऐसी हुई है। अच्छा, जब मैं फिनॉल्स में आती हूँ तो फिनॉल्स में ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिनॉल में हम ये वाली चीज़ इस तरीके से बताएंगे कि फिनॉल में जो आपका बल्की ग्रुप है वो बल्की ग्रुप पर रिपल्शन क्रिएट करता है बॉन्ड पे, जिसकी वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। और वहाँ पे भी तुम यही बोलोगे कि दो रिपल्शन दोनों तरफ बल्की ग्रुप है, बल्की अल्काइल ग्रुप, तो दोनों बल्की अल्काइल ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे भी रिपल्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है, ठीक है।